हेलो, वेलकम बैक टू टीटी गेमिंग 007। कैसे हो भाई लोग? तो देखो, 7000 का बंदा आ गया है। मेरा ट्रॉफी है 6484 और उसका है 7000। चलो ये फाइट देखते हैं कैसे होता है। तो अभी अभी मेरा सीजन 9 का अपग्रेड हो चुका है। तो अपग्रेड होने के बाद क्या क्या मिला है मेरे को, सब का वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। देखते रहो टीटी गेमिंग 007। अच्छा लगे यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। देखते रहो। ये जो फायर गार्ड है ना, ये मेरे को फायर देने का कोशिश कर रहा है, फायर से मेरे को डैमेज करने का कोशिश कर रहा है, मेरे को मालूम चल गया था। और हेलगा का एक मूव्स, नया मूव्स आया है, एक नया मूव्स है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ देख लो एक बार। वो कोशिश कर रहा है, वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, देखा, वो कोशिश कर रहा है, वो इंतजार कर रहा था शैडो के लिए, कोशिश कर रहा है। क्या करेगा वो? फायर देके और शैडो देके मेरे को मारने का प्लान था उसका, लेकिन नहीं हुआ। ओ भाई, ओ भाई, ये बहुत बढ़िया एक एक्शन था, एकदम सेम टाइम। ये मूव नया मूव है हेलगा का, पहले नहीं था। और इसका शैडो फुल हो चुका है, मतलब ये क्या करेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन चलो ग्रैब कर लिया और फिर से फायर। देखा, ऐसा फायर गार्ड काटता है और इसके साथ आफ्टर लाइफ एंड उसका फायर गार्ड खत्म। तीन बंदे 11 का है, ये जेट आ रहा है 11 का, लेकिन जेट का पास था स्टील स्टिंग, मतलब ये इनविजिबल नहीं होगा। लेकिन 11 का जेट, भाई साहब इसका डैमेज देखो यार, ये जेट से इतना अच्छा खेला। मैं सोच रहा था क्या होगा, ये मैच मेरा हाथ से बाहर चला जाएगा, सिर्फ जेट का गेम देखो। और जो नया मूव्स आया है ना हेलगा का, भाई बहुत बढ़िया है। देखो, आफ्टर लाइफ आने का बाद ही आफ्टर लाइफ, लेकिन मैं टच नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे पीछे जा रहा था भाई, पीछे जाके रेंज अटैक कर रहा है और आगे आके मार रहा है। ये देखो, एक नहीं और मैं खत्म, मेरा हेलगा खत्म। तो चलो, मैंने सोचा था हेलगा खत्म हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास कीबो है, मैं कीबो से इतना मारूंगा उसको, ये सोचा था। लेकिन हर टाइम जो सोचा था वो क्या होता है, देखो, बैक टू बैक अटैक कर रहा है। देखो, मैं बाहर निकल गया, अभी सोचा था मारूंगा, लेकिन नहीं, जब मैं मारने जा रहा हूँ तब मेरे को मार रहा है। इसका टाइमिंग देखो, ये बंदा 7000 में गया भाई, इसका टाइमिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के लिए। तो मैं सोचा भाई एम्परर है और कोई नहीं है मेरे हाथ में, थोड़ा क्या कैसे खेलना चाहिए भाई, कैसे खेलना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं कैसे खेला ये देख लो एक बार। चलो, फर्स्ट क्रिटिकल दे दिया और ये फिर से शुरू हो रहा था, ये टाइम ढूंढ रहा था बंदा, इतना अच्छा इसका टाइम है। बस शुरू हो गया, जब मैं मूव करने जा रहा हूँ तब इसका शुरू हो रहा है। देखो, एक भी हिट नहीं लगा, उसका हिट बैक टू बैक लग रहा है। मैं शैडो मोड पे चला गया, मेरे को पता था उस करीब आएगा, लेकिन फिर से शुरू हो रहा था, लेकिन मेरे हाथ में और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बीस्ट का जो एनर्जी लेवल है बहुत कम है, इसलिए बहुत संभाल के खेलना पड़ेगा, बहुत संभाल। थोड़ा सा गलती हो गया ना तो मैं गया। भाई भाई भाई, डर लग रहा था, अगर ये स्टार्ट हो जाए ना कॉम्बो तब मुश्किल हो जाएगा भाई, ना टाइमिंग का इशू था इस गेम में। भाई फिर से शुरू हो गया जेट, लेकिन बस ये बीस्ट का कुछ शैडो प्रोटेक्शन मूड है ना, मतलब इतना अच्छा शैडो एबिलिटी है, अच्छा लगता है भाई। तो चलो, इसका जेट तो चला गया, इसके बाद है इसका लिंक लेवल 11 का, वो जो नया वेपन है इसको मिल चुका है, मेरे को भी लिंक का वेपन मिल चुका है, क्योंकि मैं भी अपग्रेड कर चुका हूँ, एक ही वेपन मिला, लिंक का वेपन मिला है। क्या नाम, चेरी मास्टर बोल के, मेरे को पता नहीं, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तो चलो, अभी लिंक के साथ क्या होगा। भाई फर्स्ट स्ट्राइक हो चुका है, मेरे को डर लग रहा था कैसे जाऊँ सामने, अगर वो एक भी मरेगा ना तो इतना डैमेज होगा। देखो, ग्रैब कर लिया
और दो चार कॉम्बो दे चुका था मैं, और इसके साथ ये भी। भाई साहब थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए क्या हो रहा है, देखो टाइम मैटर, बहुत टाइम मैटर। देखो पीछे से साइलेंट ट्रिक लगा के एकदम दे दिया एंड करीब नहीं आया। बहुत स्मार्ट बंदा है, बहुत स्मार्ट। चलो नीचे से एंड नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये और एक बार शैडो लगाना पड़ेगा। और ये था शैडो एंड फिर से एंड क्रिटिकल करेगा, नहीं नहीं होगा। चलो फिर से मैंने ग्रैब कर लिया भाई, और टाइम नहीं है मेरे पास, उसका हेल्थ भी कम है। मैं सोचा था गेम मेरा हाथ में आएगा, लेकिन फिर से देखो डैमेज, देखो इसका। ओ भाई साहब सडन ट्रिक, मैं मेरे को पता था सडन ट्रिक लेगा, लेकिन नहीं हुआ। और ये था लास्ट अटैक। इसके बाद जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं 7000 ट्रॉफी का बंदा को हरा दिया, और इसके साथ मेरा 6500 ट्रॉफी क्रॉस हो चुका है।